हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लाभ जनता को तभी मिल सकता है जब सरकारी कामों को अमली जामा पहनाने वाले अधिकारी जिम्मेदार हों, लेकिन अगर यही अधिकारी लापरवाह हो जाएं तो सरकारी पैसों को पलीता कैसे लगता है, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर करेंगे चर्चा। सरकारी पैसों को सरकारी अधिकारी कैसे पलीता लगाते हैं, इससे मिलता जुलता एक मामला आपको दिखाते हैं आज। तस्वीरों में जो बगीचा नुमा जगह आप देख रहे हैं, ये राय की व्यायाम शाला है जो अधिकारियों की लापरवाही के चलते खंडर में तब्दील हो चुकी है। ये व्यायाम शाला 2 साल पहले बनाई गई थी और सीएम खट्टर ने इसका उद्घाटन किया था ताकि योग को बढ़ावा दिया जा सके और ग्रामीण भी योग सीख सके। लेकिन शायद व्यायाम शाला बनने के बाद सरकारी अधिकारी इस जगह की देखरेख करना भूल गए और ये तब्दील हो गई खंडर में। योगाभ्यास के लिए बनाई गई इस शाला को लेकर ग्रामीण काफी नाराज हैं, क्योंकि ये शाला उनके किसी काम की नहीं। हालत बिल्कुल खराब है जी, इसके वैसे भी हालत खराब है जी, और जितनी स्ट्रीट लाइट लग रही थी, बहुत अच्छे हो रही थी, वे भी चोरी हो गई। करीबन 2 साल पहले व्यायाम शाला बनी थी और 2 साल के बाद मतलब स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई है और मतलब मतलब लैटरिंग बाथरूम जो भी है मतलब सारे टूट फूट गए हैं और मतलब कोई देखभाल नहीं हो रही, इसलिए मैं यही कहूँगा कि मतलब देखभाल होनी चाहिए। काम तो सरकार ने बहुत अच्छा किया था, सुबह शाम अच्छा व्यायामशाला में वीरवाणी और सब कुछ आते, उजाला रहता था, शाम को भी सोलर लाइटों से अच्छा सहयोग था। देश का और अपने हमारे गांव का बड़ा नुकसान है, जो रात में आतंक मचा रखा चोरों ने, सारी लाइटें तोड़ ली है, कुछ नहीं छोड़ दिया। इस मामले पर जब सवाल किया गया तो सोनीपत के डीसी ने अजीबोगरीब बयान दे डाला। शाला के रखरखाव की बात पर उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है। अरे साहब, शाला की रखवाली के लिए पुलिस की नहीं एक गार्ड की जरूरत होती है और वो भी आप नहीं रख पाए। इसी वजह से व्यायाम शाला में लगी एलईडी लाइट्स को भी कोई चुरा कर ले गया। सरकार ने गांव को बना के दिया तो ये तो जिम्मेवारी जिनके यूज के लिए उन सबको लेनी चाहिए। अब क्या हमारे पास इतनी पुलिस है, हमारे पास क्या इतनी है कि हर एक व्यायामशाला में जाके खड़े रहे। जब ये नागरिकों के लिए बनाया गया तो ये सवाल तो बेहतर आप उनसे पूछो। आपको बता दें कि ये दुर्दशा सिर्फ इस एक व्यायाम शाला की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में न जाने कितने ऐसे स्थान हैं जो बनाए तो गए हैं आम लोगों के लिए, पर उनकी मेंटेनेंस न होने के चलते वे किसी काम के नहीं। अंत में इस मामले पर बस एक ही बात कही जा सकती है कि सरकार जनता के लिए चाहे जितने प्रयास कर ले, पर सरकारी कामों को अमली जामा पहनाने वाले अधिकारी ही लापरवाह होंगे तो सरकारी कामों का फायदा जनता को मिल ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो सरकारी संपत्तियों का ये जो मामला है, आखिर ये इसको कैसे सुलझाया जाए, आखिर कैसे इस तरह की जो परिसंपत्तियां हैं जो लोगों के लिए अब सार्वजनिक हो चुकी हैं, कैसे उनको बचाया जाए, कैसे अधिकारी उस तरफ ध्यान दें, जनता का क्या दायित्व है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमन शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है रमन जी। तस्वीरें भी आपने देखी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे कंट्री के अंदर एक जो मेंटेनेंस का सिस्टम है वो सिस्टम प्राइवेट कॉलोनाइजर में लगा लीजिए कि वहाँ उनकी कॉलोनीज में है, बाकी किसी जगह नहीं है, जबकि ये होना हर जगह चाहिए। नगर निगम हो या पंचायत हो, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या जहाँ पे आपके पास RWAs हैं या पंचायत समितियां हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए उनकी मेंटेनेंस के लिए। इवन उसका नवीनीकरण भी साल, 2 साल, 3 साल में होना चाहिए, क्योंकि नए इक्विपमेंट्स आते हैं और नई टेक्नोलॉजी आती है उसके लिए भी, और जवाबदेही तय जरूर होनी चाहिए। जब आप एक चीज, कोई भी चीज ले रहे हैं, सरकार से ले रहे हैं, सरकार ने अगर आपको हैंडओवर कर दी, कोई ना कोई संस्था उसके लिए जवाबदेह जरूर होनी चाहिए। चलिए लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाजपत, चूंकि आपने पूरे इस व्यायामशाला का निरीक्षण किया, तस्वीरें हमारे पास भेजी, वास्तविक जो स्थिति है वो जरूर इससे भिन्न नहीं होगी। बहरहाल आपसे समझना चाहेंगे कि ये व्यायामशाला आखिर ऐसी हालत में कब पहुंची, कैसे पहुंची, और क्या इसके लिए ग्रामीणों ने कभी कोई शिकायत की, और अगर की तो उसका क्या नतीजा निकला, बातचीत हुई आपकी? जी बिल्कुल रेनू, देखिए हमारी जो लगातार हमने राय विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया तो कहीं ना कहीं
सभी व्यायामशाला, एक नहीं सभी व्यायामशाला में प्रॉब्लम है। कहीं हमने काफी दौरे किए तो जो सबसे बड़ी बात है, जो लापरवाही देखी, जो कि स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी जो सोलर से चलने वाली थी, वो चोरी हो चुकी है। एक सबसे बड़ी कि जो गांव से दूर बनाई गई थी व्यायामशाला, तो कहीं ना कहीं अनदेखी है, जो विभागीय लापरवाही है या गांव की पंचायतों की भी लापरवाही कहेंगे, क्योंकि गांव की पंचायतों की लापरवाही इसलिए कि वो जो सरपंच है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उसका देख रेख करें, उसका ध्यान दें, और अगर उसमें कोई खामियां हैं तो वो सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको बताएं। तो सरकार के कर्मचारियों की भी लापरवाही है कि वो लगातार उसका निरीक्षण करें। ये सबसे बड़ी बात है कि जो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर इस पर ध्यान दे रहे हैं। अभी मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आया था कि और भी व्यायामशाला बनाई जाएंगी, जब ये कुछ थोड़ा ही कुछ समय हुआ है, करीब एक से दो साल हुआ है जो कि व्यायामशाला की जो शुरुआत हुई थी, और एक से दो साल में ही इनकी हालात ऐसी हो गई हैं, तो और भी व्यायामशाला बननी है हरियाणा के अंदर। लेकिन अब इन्हीं का हालात ऐसे हैं तो आगे आने वाले समय में क्या हालात होंगे, क्योंकि एक से दो साल में ही जो व्यायामशालाओं को ऐसा हाल हो जाएगा तो आगामी जो पैसा लगता है उसकी जवाबदेही कौन होगा? बिल्कुल। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो गाँव के व्यक्ति है वो व्यायामशाला के लिए जो जाते हैं उनको इस तरह की जो कमियां दिखती हैं तो वो कहीं ना कहीं जरूर शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को दबाया दिया जाता है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं जवाबदेही होते हैं। जो देश का जो पैसा है वो लगता है उसको वेस्ट होता है उसकी। बिल्कुल। लेकिन लाजपत डीसी साहब का जो बयान हमने सुना उसमें कहीं भी गंभीरता हमको भी नजर नहीं आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार जब सरकार की तरफ से बनाकर दे दिया गया तो आप पब्लिक से पूछे कि उसके हाल क्या है। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है जो उन्होंने दिया, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी जो अधिकारी हैं उनका रवैया इस प्रति कितना सकारात्मक है। जी बिल्कुल, ये जो इतने बड़े पद पर इस तरीके का बयान, ये बिल्कुल खामियां दिखाता है, क्योंकि लापरवाही दिखाता है। जो पैसा लगता है देश का और जो इस तरीके की लापरवाही से जो नुकसान होता है तो वो देश का काफी बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक तो जो लग चुका है, एक उसका मेंटेनेंस और एक देखरेख। तो ये कहीं ना कहीं जो देखिए पंचायतों की जिम्मेवारी जरूर बनती है, लेकिन पंचायत 5 साल बाद बदल जाती है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है वो लंबा समय देते हैं। जो सरकारी बिल्डिंगे, जो अगर इसकी व्यायामशाला की बात ना करें, जो भी अगर सरकारी बिल्डिंगें हैं उनके हालात अगर हम गंभीरता से देखें तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि लापरवाही है। कहीं ना कहीं जरूर इनके मेंटेनेंस के नाम के पैसे आते होंगे, लेकिन घोटाले काफी बड़े होते हैं तो इन ये उजागर होते हैं। तो ये इस तरीके के जो रवैया है, ये डीसी का जो सोनीपत का जो डीसी का रवैया, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि जो अधिकारी है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि लगातार उनको मेंटेन रखें, उनकी देखरेख रखें, या जो पंचायत है उनके साथ सहयोग से काम करें, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाजपत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ स्थानीय निवासी पवन चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन जी, आवाज मिल रही है आपको? पवन चौहान जी, आवाज मिल रही है आपको? चले, लगता है कि संपर्क टूट गया है, लेकिन रमन शर्मा हमारे साथ लगातार बने। रमन जी, एक बहुत अच्छी बात आपने जवाबदेही की, लेकिन जिस तरीके का बयान आपको लगा डीसी साहब ने दिया उसमें कहीं भी जवाबदेही की बू आ रही है आपको? देखिए, ऐसा होता है कि उनको डीसी साहब को सारी हकीकत का पता होगा, क्योंकि जो भी डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम होते हैं इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है हर इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर कोई ये कहे कि उनको कुछ नहीं मालूम तो वो गलत होगा। पर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी गांव, गली, मोहल्ले के लिए कुछ भी आया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे, उसका मालिकाना हक जो यूजर्स हैं उनको नहीं देंगे, तब तक ये सिस्टम आपका ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोई ना कोई चौकीदार, कोई माली, कोई ये स्टाफ जरूर होगा। हाँ, बिल्कुल। वो कहाँ है? उसको पैसे दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, डीसी साहब ने बगैर सोचे समझे बोल दिया, जबकि ये स्टाफ होगा, इसकी मेंटेनेंस के लिए पंचायत को जरूर फंड जाता होगा। ये सारी जांच करने के बाद, अगर ये करीब मेरे हिसाब से ये 22 व्यायामशाला बनी थी 2 साल पहले, उसके बाद कितनी पड़ी है वो मेरे को जानकारी नहीं है, पर ये 2 साल वाली में है तो इसके लिए स्टाफ, 3 लोगों का स्टाफ उस समय सैंक्शन हुआ था। तो ये जांच करनी चाहिए और इसको अच्छी स्थिति में लेके आना चाहिए। इसके ऊपर बहुत पैसा, जनता का बहुत पैसा खर्च हुआ है, करीब ये 2.5 एकड़ के अंदर ये सारी व्यायामशाला बनी है। 2.5 एकड़ की अगर आप लैंड वैल्यू ही निकाल लें, बिल्कुल, तो आज के दिन वो करोड़ों के अंदर आ जाती है। बिल्कुल। तो अगर आपने करोड़ों की संपत्ति बर्बाद कर दी तो ना जनता को फायदा हुआ, सरकार का नुकसान हुआ, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। आपने कहा पंचायतों को फंड दिया जाता है, जांच का विषय है, लेकिन ऐसी जवाबदेही अगर हो या ऐसा जवाब अगर मिले तो आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी कोई जांच बिठाई जाएगी या फिर सिर्फ
कोटा ही इसका पूरा किया जाएगा? ये सरकार जांच में तो ना मोदी सरकार और ना प्रदेश सरकार, जहां पे भी भाजपा की सरकार है, ये जांच में विश्वास ही नहीं करते, जबकि जनता को नुकसान हो रहा है, जनता का पैसा लग चुका है और आगे वहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब अगर इनके शौचालयों की हालत देखें तो स्वच्छ भारत अभियान आपको यहाँ पे मरता हुआ दम तोड़ता हुआ दिखाई देगा। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये व्यायामशाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, तो ये गांव के लिए, उस स्थानीय लोगों के लिए है और उन लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि हमारे इसकी हालत क्या हुई है और पंचायत के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास करके इसको ठीक करा लेना चाहिए। इसके लिए एमएलए भी पैसे दे देगा और एमपी भी पैसे दे देगा, तो ये एक पहल होनी चाहिए। देखो, ये स्थानीय नागरिकों को आवाज उठानी चाहिए, आपने आवाज, आप इनकी आवाज बने हैं, जब भी आपने आवाज उठाई है कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है, इसका फायदा इन लोगों को लेना चाहिए। बिल्कुल, इसका फायदा लेना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरह की लापरवाही भरा रवैया हो, और इसके अलावा अगर हम जनता की भागीदारी की बात करें, रमन शर्मा जी, ये अपने आप में कितना अहम और महत्वपूर्ण है, अगर हम जनता के भी तरफ से बात करें, उनको किस तरह की भागीदारी इसमें निभानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सौगात अगर सरकार देती है लोगों को, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या आपने आज तक शिक्षा, स्वास्थ्य, किताबों के लिए या लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी हड़ताल होते हुए देखी? बिल्कुल रमन जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं इस वक्त फोनलाइन पर। पवन है हमारे साथ स्थानीय निवासी और राकेश हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं। पवन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी पवन जी, आपके यहाँ जो व्यायामशाला है, हम उसके जर्जर हालत के बारे में बात करना चाहते हैं कि कैसे ये व्यायामशाला रखरखाव के अभाव में ऐसी हो गई, क्या शुरू से यहाँ पर कोई गार्ड नियुक्त था या पर शुरू से ही ये अनदेखी का शिकार होता रहा है? हेलो जी पवन जी, आवाज मिल रही है आपको? मैडम मुझे आवाज घट रही है, मैं ना लंच करूंगा, अभी आवाज भी कर दूंगा। चलिए पवन, बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप तक आवाज अगर ठीक से नहीं पहुंची और आप अगर अभी कॉल करते हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे। राकेश हमारे साथ स्थानीय निवासी है। राकेश जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है आपकी। जी अच्छा, राकेश जी, जो व्यायामशाला है आपके क्षेत्र में, हम उसके बारे में समझना चाह रहे थे कि क्या ये शुरू से ही रखरखाव के अभाव में है या फिर पहले कोई गार्ड नियुक्त था, और अगर नहीं नियुक्त था, आप लोगों ने क्या कोशिशें की इस व्यायामशाला को सही तरीके से रखने की, क्या कभी अधिकारियों के पास आप लोग गए? मैडम, हमने कई बार जो जिला प्रशासन और अधिकारियों से संपर्क किया और उनको बताया कि इनमें जो आपने व्यायामशाला बनाई है, इनमें आवारा पशु घूमते हैं और जो है ना, तो इसमें घाते जो है बड़ी बड़ी घाते जमी हुई है, मेंटेनेंस ये कर नहीं रहे हैं और घटिया मटेरियल इसमें सामग्री जो है यूज की गई है। हमने कई बार जो है अधिकारियों को बताया कि जो है ये घटिया मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा, वो दीवारें धड़ने लग रही हैं, सब खराब है, रखा रखाव कर नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा, बर्बाद जनता का पैसा जो है बर्बाद कर लिया इन्होंने। ये अधिकारियों की मिली भगत के साथ जो इसमें गबन की बू आ रही है। अच्छा राकेश, जो स्थानीय पंचायत है उनको भी फंडिंग की जाती है इसके लिए, क्या कभी पंचायत की तरफ भी आप लोगों ने रुख किया, उनसे भी जाने की कोशिश की कि आखिर इतना पैसा जो लगाया गया, सही तरीके का मटेरियल क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, इसकी रखरखाव कैसे होगी, क्या इस बाबत कोई बातचीत हो पाई? हाँ जी, गाँव में जैसे पंचायत हुई, पंचायत ने पंचायत को अवगत कराया भाई कि जो ये इतना पैसा लगा ये बर्बाद होने लग रहा है, तो पंचायत में प्रधानों ने बोला कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें अधिकारी जो है और मेंटेनेंस रख रखाव का पैसा वो खा जाते हैं और इसमें परसेंटेज चलती है। मान लो 1,00,000 रुपया अगर पंचायत के पास आया था, उसका 20-30% हिस्सा अधिकारियों के पास जाता है। अच्छा राकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपने इशारा किया। इसके अलावा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि ये व्यायामशाला आपके क्षेत्र में कितना ज्यादा महत्व रखती थी और इसके होने से आप लोगों को क्या फायदा था? क्योंकि स्पोर्ट्स भी अपने आप में एक बहुत जरूरी चीज है, योग बहुत जरूरी चीज है, इसका कितना लाभ आप लोगों को कब तक मिल पाया? हमारे क्षेत्र में जो है इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो चुका है पूरे सोनीपत एनसीआर एरिया में, और हमारे पास घूमने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो एक खुशी का माहौल जो है गांव में आया कि व्यायामशाला खुलेगी तो योग करेंगे, घूमेंगे ताकि सांस अच्छी ले सके, लेकिन इसका उल्ट हुआ, पैसा भी लग गया और ना व्यायाम हो रहा है ना हम घूम पा रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है, गेट टूटे हुए हैं, बिल्डिंग जर्जर है, डर लगता है वहां जाने में, घूमने में कभी कोई कीड़ा नहीं खा ले।
जी राकेश जी, आपसे कुछ और प्रश्न, हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, वो पूछना चाहते हैं। राकेश जी, यहाँ पे कितने लोग इस एरिया को इस्तेमाल करते थे? इसमें सर हमारे जो दो गांव लगते हैं तकरीबन, ये लगा लो 30 से 35 हजार की आबादी जो है। तो आपने इसके लिए कोई संस्था, गांव वालों की कोई संस्था बनाई थी जो इसको चलाए? नहीं संस्था नहीं सर, वो तो पंचायतें बनती हमारे पास। नहीं नहीं, पंचायत के अलावा आप, पंचायत के अलावा आप एक अपनी संस्था बनाइए जो खेलों के लिए संस्था हो और वो इसकी जिम्मेवारी ले, आपको सरकार से भी फंड मिलेगा और एनजीओ टाइप वो संस्था बन जाएगी, तो आपको इसमें अच्छी फंडिंग आती रहेगी। हमने हमने सर ग्राम विकास समिति नाथूपुर के नाम से संस्था बनाई हुई है और आज से नहीं, ये 10 साल से संस्था बनाई हुई है। हाँ, और तो हमने दर दर की ठोकरें खाई है, अपने आप सफाई की है नालियों की, झोड़ों की। अरे भैया आप है ना, सिर्फ 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 हमारी सहायता नहीं करी, जिला खेल अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर को रोकना चाहेंगे। आप बात करते हैं रमन जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहती थी आप उसे कम्प्लीट करें। ये जितनी भी पंचायत होती है इनके अधीन कमेटियां बनती हैं, अगर ये कमेटियां अपना ढंग से काम कर लें, क्योंकि उसमें ज्यादातर युवा लड़के लोग होते हैं और उनका ये इशू भी है, मैटर भी उन्हीं का है, व्यायामशाला में ज्यादातर वही लोग होते हैं, तो अगर ये लोग सही ढंग से इसको संभाल लें तो जो फंड आता है वो डायरेक्ट इनकी कमेटी के पास आ जाएगा। तो ये उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें, जैसे चाहें इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके इसको कम से कम मेंटेन तो कर ही सकते हैं, और जब नवीनीकरण की आवश्यकता हो तब ये सरकार को कांटेक्ट करें, अपने विधायक को, अपने सांसद को कांटेक्ट करें और जो इनको राशि चाहिए वो ले सकते हैं, और तो ये बढ़िया तरीके से चल सकते हैं। सिर्फ इशू ये है कि एक तो करप्शन है और दूसरा लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आनाकानी जो करते हैं, और वो उससे भागना नहीं चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, आप अपना जो मालिकाना हक है वो लीजिए और इन चीजों को चलाइए। इनके चलाने से इनके गांव की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और इनको समझ में आएगा कि ये और क्या क्या लेके आ सकते हैं, नहीं तो ये आधे अधूरे रह जाएंगे, नई चीजें आएंगी नहीं और आप फिर वही वोट डाला और उसके बाद 5 साल आप सोते रहो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे इस सेंटर के अंदर बहुत सारी नई चीजें आ सकती थी जो नहीं आई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वहां के लोग भी हैं और प्रशासन भी है। चलिए बहुत अहम बात आपकी तरफ से। अब इसके अलावा, अब आपने लूप होल्स की तरफ भी इशारा किया, आपने समाधान की तरफ इशारा किया, लेकिन ये चीजें आखिर सुनिश्चित कैसे होंगी, जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए, ये आखिरी सवाल। कोई भी 4 या 5 वहां पे पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो इसका इशू बना के, जो इसकी मेंटेनेंस जो कॉस्ट आएगी, जो इसको ठीक करने के लिए, उसका एक बजट बनाए, उसको लेके जिला खेल अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर के पास जाएं और उनसे वो पैसा सैंक्शन हो जाएगा, उसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। वो सांसद से भी ले सकते हैं, सांसद भी इसमें पैसे खर्च सकता है, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, 5-1 लाख रुपए का खर्चा होगा। और इसको मेंटेन करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें, सरपंच की हो या सेक्रेटरी की हो या जो उसके सदस्य हैं उनकी हो, वो हर महीने अपनी एक रिपोर्ट पंचायत को, डिप्टी कमिश्नर को और जिला खेल अधिकारी को सौंपें। एक प्रथा बन जाएगी, वो हर पंचायत के लिए होगी, हर व्यायामशाला के लिए होगी, तो आपको ये पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम जो है वो मेंटेन होता हुआ नजर आएगा और सबके काम उसमें होते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया रमन शर्मा जी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है और यही जवाबदेही अगर सुनिश्चित हो जाएगी तो इस तरह की व्यायामशालाएं खंडहर में तब्दील नहीं होंगी, ना ही सरकारी योजनाओं को पलीता लगेगा।